পাচ্ছি। एकांत है, शांत है, प्रकृति अपनी छटा बिखेर रही है। इसी पुनीत स्थान पर हम आसीन है, जहां हमें शंभु शरण के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। चारों ओर का वातावरण अनुकूल है। हमारे समक्ष समोसरण का दृश्य है। आज हम अपने दिव्य ध्यान में समोसरण के दर्शन करेंगे। सबसे पहले हमें बीस हजार सीढ़ियां चढ़ करके मानस स्तंभ मिला। और मानस स्तंभ के उपरांत चैत्य प्रसाद भूमि, इस भूमि में सुंदर सुंदर चैत्यालय हैं। और इसके उपरांत हमें खातिका भूमि मिली, जो पानी से लबालब भरी हुई है। मनुष्य देवता त्रयंज यहां आकर के अपने पादों का प्रक्षालन करते हैं, बहिरंग की शुद्धि करते हैं। और कई अभव्य मिथ्या दृष्टि जी इसमें ही आनंद मनाकर यही रुक जाते हैं। पर हम तो आगे की भूमि की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लता भूमि मिली। लता भूमि में लताएं ही लताएं हैं। इसमें जानवर आदि भी हैं। लताएं लताएं हमें दिखाई दे रही हैं। चारों ओर लता ही लता है। और बढ़ते जाते हैं तो हमें उद्यान भूमि मिलती है। यहाँ पर सुंदर सुंदर बगीचे मन को आकर्षित करते हैं, पर हमारा मन तो आदिनाथ भगवान के दिव्य दर्शन करने का है। हम इसमें रंजायमान नहीं होंगे। यद्यपि यहाँ पर बहिरंग में शांति है, बहिरंग की शांति हमें आकर्षित कर रही है, हम नहीं होंगे। और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें ध्वजा भूमि मिलती है। यहाँ पर मात्र ध्वजाएं ही ध्वजाएं हैं, महाध्वजाएं हैं, लघु ध्वजाएं हैं।
तो जाएं, फर 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 आती हुई हमें दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कोई आदिनाथ भगवान का ऐसो गान कर रहे हैं, अपनी फर फर की आवाज में भक्ति गान कर रहे हैं। उनको देख करके मन आनंदित है। जब पताकाएं भक्ति कर सकती है तो हम नहीं, हम और आगे बढ़ते हैं। हमें कल्प वृक्ष भूमि मिलती है, मन चाहे चीजों को प्रदान करने वाली, जो हम कल्पना करते हैं वो कल्प वृक्ष वो ही हमें प्रदान करते हैं। सांसारिक लोग इसमें रमस आते हैं और कल्पित वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। हम तो मोक्ष मार्गी हैं, अब हमारे पास कोई कल्पना ही नहीं है। हमारी कल्पना हमारी इच्छा तो सिर्फ सिर्फ अपनी मंजिल की है, शिव की है, और एक कल्प वृक्ष शिव हमें दे नहीं सकते। इसलिए हम इस भूमि में भी नहीं फंसते हैं और आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर हमें भवन भूमि मिलती है, बहुत सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं। मन को रंचाए मान करने वाले भवन, परंतु भवनों से हमारा कल्याण नहीं है। भवन तो हमें संसार में घुमाने वाले हैं, हमें पद से ढिकाने वाले हैं, हमें रास्ता भुलाने वाले हैं। और हम श्री मंडप भूमि की ओर आगे कदम बढ़ाते हैं। जहाँ पर 12 सभाएं लगी हुई हैं, केवल अज्ञानी, मनः पर्याय ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, वादी, प्रतिवादी इत्यादि बहुत सारे मुरीदास आसीन हैं। वो टकटकी लगाए भगवान की ओर देख रहे हैं, भगवान के दिव्य देशना खिलेगी, कल्पवासिनी देवी, अरिका माता जी, भवनवासिनी वैंतरणी ज्योत्सनी इत्यादि देवियां बैठी हैं। चारों निकाय के देव बैठे हुए हैं। मनुष्य और प्रयंज अपने अपने कोटे में बैठे हुए हैं। देख करके मन आनंदित है, हर्षित है, एक साथ इतने
मिले साधुओं के दर्शन और हम जैसे ही ऊपर करके बढ़ते हुए चले जाते हैं, तीन कटने हैं, सिंहासन पर, सिंहासन बहुत सुंदर है और आदिनाथ भगवान सिंहासन के सिंहासन को टच ना करते हुए अधर में विराजमान है। बहुत सुंदर सा जिनबिंब है, ऊपर छत्र लगे हुए हैं, चमर लगे हुए हैं, आभा मंडल है, भामंडल है। हम वहां पर जाकर के आदिनाथ भगवान का दिव्य दर्शन पा रहे हैं, अपने आप को आज धन्य समझ रहे हैं। हे भगवान, आपके शरणों में कोटि सह नमन, कोटि सह नमन, कोटि सह नमन। हे प्रभु, आपने घातीय कर्म को नष्ट कर दिया। प्रभु, आप केवल ज्ञानी हैं, त्रिनेत्र के धारी हैं, हे प्रभु, आप ज्ञाता दृष्टा हैं, प्रभु, आप निरंजन हैं। आप में ही लीन रहूं, हे भगवान, यही भावना माता हूं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।